जीना इसी का नाम है, हार हो या जीत, जिंदगी हो या मौत, हंसकर अपनानी चाहिए। होई क्यों कल्याण? चंगेज, अब तुम तलवार उठाने के लायक नहीं रहे। ओम स्वाहा। केस के सिलसिले में आया हूँ, बड़ा परेशान है। गुड मॉर्निंग सर। नमस्कार। सलाम सर। इंस्पेक्टर, मुजरिमों के हाथ इतने लंबे हो गए कि वे कानून के गिरेबान तक पहुंच गए। इससे पहले कि वो हाथ कानून की गर्दन तक पहुंचे, उन हाथों को अपाहिज बना दो। सर, कानून सच्चाई का सूरज है। जुर्म के हाथ कितने भी लंबे क्यों ना हो, सूरज को नहीं छू सकते। मैं आपसे वादा करता हूं, बहुत जल्द मुजरिम सारे सबूतों के साथ आपके सामने होंगे। जिस दिन कानून की तलवार को सबूत की तेज धार मिल जाएगी, उस दिन हमें जुर्म का सर काटने में देर नहीं लगेगी। सर, गुड लक। थैंक यू सर। ओम स्वाहा। क्या नाम है तुम्हारा? जी महेश। कहां से आए हो? गांव से, शोलापुर से। क्या काम कर सकते हो? कुछ भी, मुझे दौलत चाहिए सर, ढेर सारी दौलत। हमारे काम में जोखिम है, जान हथेली पर रखनी पड़ती है। हथेली पे दौलत होगी तो जान की परवाह नहीं सर। हमें वफादारी चाहिए, गद्दारी की कीमत मौत है। मुझे मुझे मंजूर है। ए, काम समझा दो इसे। जी राजा ठाकुर। चलो। थैंक यू वेरी मच सर। पंकज, मुझे हर हाल में सच्चाई का पता लगना चाहिए। आई वॉन्ट टू नो द ट्रूथ, दैट्स ऑल। डैडी, ये लीजिए। क्या ये? डैडी कहते हैं कि जिंदगी की पहली कमाई घर के बड़े बुजुर्ग के हाथ में देनी चाहिए। ये मेरी पहली कमाई। लेकिन इस घर के बड़े बुजुर्ग तो हम हैं। क्यों डैडी? क्या काम शुरू किया तुमने? जी डैडी, स्टॉक एक्सचेंज में एक बड़े शेयर ब्रोकर के साथ काम कर रहा हूं। क्या? कमिश्नर किरण श्रॉफ का बेटा स्टॉक्स की दलाली करेगा? महेश, तुम अच्छी तरह से जानते हो कि मैं तुम्हें एक डॉक्टर बनाना चाहता हूं। लेकिन डैडी, डैडी डॉक्टर में रखा है क्या है? एक तो 6 साल पढ़ो, फिर 2 साल रेसिडेंसी करो, और फिर लोगों के बीमार होने की दुआएं मांगो। डैडी, 6 साल में तुम्हें करोड़ों कमा लूंगा। ये ख्वाब देखना बंद करो महेश, और जिंदगी को जुआ समझने की गलती मत करना, पछताओगे। तुम्हारा ये करोड़पति बनने का ख्वाब तुम्हें किसी गलत रास्ते पर जरूर ले जाएगा, क्योंकि हर बड़ी दौलत के पीछे कोई ना कोई जुर्म जरूर होता है, और तुम्हारा बाप जुर्म का दुश्मन है। अगर मुझे पता चला कि मेरे बेटे ने जुर्म का रास्ता इख्तियार किया है ना महेश, तो मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा, बिलीव मी। ये लो, वी डोंट वांट दिस मनी इन दिस हाउस, अंडरस्टैंड? भैया, डैडी की बातों का बुरा मत मानना भैया, मैं जानती हूँ तुम डॉक्टर नहीं बनना चाहते। तो फिर डैडी मुझे मजबूर क्यों कर रहे हैं? टू हेल विद इट, मैं पैसा कमाना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू बी रिच। पैसा जरूर कमाओ भैया, लेकिन ऐसे तरीके से नहीं जिससे कि मुझे तुम्हें अपना भाई कहते हुए शर्म आए। भैया, हेलो। हेलो, मैं विशाल बोल रहा हूँ। फोन बंद मत करना वरना मेरी दिल की धड़कनें बंद हो जाएगी। जानम, मैं बहुत बेचैन हूँ, बहुत बेकरार हूँ। बोलो कब मिलती हो? बोलो ना। मैंने तो मिलने का कोई वादा नहीं किया था, क्यों मिलो? पिछले 24 घंटों से तुम्हारी आंखों के इलाके से तड़ी पार हूँ जानम, तुम्हारे रहम का तलबगार हूँ। शाम को हैंगिंग गार्डन में तुम्हारा इंतजार करूंगा। सी यू मेरे यार, मेरे प्यार। मैं नहीं मिलूंगी। क्या बोलता है? यार वार कहने से लड़की नहीं पटती चाचू। फिर कैसे पटती है? कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा। चाचू, सोचो मत, जल्दी से लव लेटर लिखो और साथ में 20 का नोट दे दो मुझे। 20 का नोट?
क्यों? चाचू क्या करूं? ये कबूतर बेचारा भूखे पेट तो नहीं उड़ता ना। और चला तो गया तू आजकल, ठीक करना पड़ेगा तुझे। हैं? ये ले। असली है। चलो बाय बाय, सी यू। अरे रवि। चाचू, मैं चाचू। क्या हुआ तुम्हारे चाचू को? गार्डन में आपका इंतजार करते करते बेहोश हो गए। बेहोश? बेहोश होने से पहले उन्होंने ये चिट्ठी भेजी है। चिट्ठी बाद में पढ़ना, पहले 20 रुपए निकालो। 20 रुपए? किस लिए? किस लिए? चिट्ठी लाने के। मैं कोई कबूतर थोड़ी हूँ दौड़ के आ जाऊंगा आसमान से। ऑटो रिक्शा से आया हूँ, जल्दी करो, मीठा पड़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। ओह हे भगवान, थैंक यू। इससे कहते हैं पॉलिटिक्स, पहले अपनी जेब की सोचो। मेरा काम भी हो गया और चाचू का भी। चल रहे रिक्शा वाले। प्यार मेरे प्यार। क्या? मैं बेचैन हूँ, बेकरार हूँ। तू जाके ठंडा पानी पी ले ना। ये प्यास ठंडे पानी से बुझने वाली नहीं है बहन भाइयों। लक्ष्मी, ये प्यास तो मेरे अंदर से जलती हुई एक आग है, यानी कि अंगार। तो ये ले आग बुझाने वाला सिलेंडर, मुंह को लगा ले, प्यास भी बुझ जाएगी और आग भी बुझ जाएगी। मेरी आग बुझाने वाला सिलेंडर तो तुम हो। मैं आग बुझाने वाला सिलेंडर नहीं, मैं मसाला पीसने वाला ग्राइंडर हूँ। पास आएगा तो पीस के रख दूंगी सभी। सच भगवान तू सुन रहा है? लक्ष्मी मुझे पीसने को तैयार हो गई है। लक्ष्मी जोर से पीस, मगर धीरे से, मेरा अंग अंग पीस, फिर देख मेरे प्यार का रंग कैसा खिलता है। तो आ गए चाचू। ओ तो ये सब तेरा काम है? हाँ, बड़ी मेहनत की है। सोच रहा हूँ ये सब दादू को दिखा दूँ। ब्लैकमेल करता है तो निकालो मेरी मेहनत की कीमत। विशाल, विशाल, विशाल। हाँ भाभी। अरे क्या कर रहे तू? चाचू जल्दी खोलो। ये अंदर? मुझे अंदर क्यों बंद किया? रवि है भाभी, खोलता हूँ ना। चाचू खोलो। आ जा। रवि तू अंदर क्या कर रहा था? मैं ये नहीं 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 नहीं। तेरे हाथ में क्या है? दिखा दिखा। कौन है ये? वो भाभी। चालू बोल दिया। तू जानता है इसे? हाँ मेरी फ्रेंड है, होटल में मिली थी, चाचू भी थे। अच्छा तो आजकल लड़कियों को होटल में खाना खिलाया जा रहा है। वो भाभी। क्या भाभी क्या? तू चाहता है ना कि मैं इसके घर वालों से बात करूं? जी हाँ। तो बता ना। वो श्रॉफ साहब की बेटी है। अपने श्रॉफ साहब की? जी। अच्छा बहुत सोच समझ कर हाथ मारा है ना? सर उन बदमाशों ने अपनी जबानें खोल दी हैं जिन्हें हमने पकड़ा था। यस सर, राइट सर, कम ऑन मूव। यस सर। हे डोंट मूव, गिरफ्तार करो सबको, ले चलो। हे डोंट मूव, अरेस्ट करो, चारों माल जब्त करो, ले चलो। आज की ताजा खबर राजा ठाकुर के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। आज की ताजा खबर राजा ठाकुर के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। आज की ताजा खबर राजा ठाकुर के अड्डे पर पुलिस ने छापा मारा। राजा ठाकुर के अड्डों पर हमला, पंकज की बहादुरी नहीं, तुम सब की कमजोरी है। और कमजोर लोगों की राजा ठाकुर के दरबार में कोई जगह नहीं है। हमने पुलिस का मुकाबला किया था राजा ठाकुर, लेकिन और हार गए। हारे हुए सिपाही और मोहरों से जिंदगी की कोई बाजी नहीं जीती जाती। हार
प्यार से राजा ठाकुर को नफरत है, सख्त नफरत है। ओहो, राजा ठाकुर कानून के एक ही बार से इतना तेल मिला के हैं? जो कानून राजा ठाकुर का नुकसान करेगा उसका सर काट कर फेंक दूंगा मैं। और फिर मुझे बुलाकर कहोगे जब मेरे जिस्म पर कानून के खून के जो धब्बे पड़े हैं उन्हें मिटा दीजिए। अरे कब तक मिटाता रहूंगा मैं तुम्हारे जो धब्बे हैं? जब तक तुमको उसकी फीस मिलती रहेगी। मिस्टर धनंजय, मुझे जज धर्माधिकारी के खानदान का खून करना है। तुमको यहां इसलिए बुलाया गया है कि उस खून का इल्जाम मेरे ऊपर नहीं आना चाहिए। पर ये सब कैसे हो सकता है? ये सोचना तुम्हारा काम है। मेरी आंखों में खून सवार है। खून खून करके तुमने मेरे दिमाग की नसों को फाड़ डाला है। मैं सोचूंगा क्या? खैर एक बात बताओ, तुम्हारा कोई भरोसे वाला आदमी है? किस काम के लिए? इन्हें जेल भिजवाने के लिए। मिस्टर धनंजय, तुम्हारा काम खून करना है। तुम अपना काम करो, मुझे अपना काम करने दो। मेरा काम तुम्हें कानून की नजरों में बेगुनाह साबित करना है। हाँ।